देश में कोरोना संक्रमण ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 24 घंटे में 3,14,000 से ज्यादा संक्रमित। इससे पहले अमेरिका में एक दिन में मिले थे 3,13,000 केस। कोरोना महामारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। ऑक्सीजन और दवाओं की कमी के साथ ही वैक्सीनेशन और लॉकडाउन लागू करने के अधिकार जैसे बिंदुओं पर कल होगी सुनवाई। 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन के लिए 24 अप्रैल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन बोले, लोग हो जाएं तैयार। सीएम योगी ने कहा, निजी क्षेत्र के जो भी चिकित्सा संस्थान खुद का ऑक्सीजन प्लांट लगाना चाहते हैं उन्हें हर जरूरी मदद मुहैया कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश में सभी प्राइवेट लैब्स को कोरोना जांच की मंजूरी। प्राइवेट अस्पताल भी अब कर सकेंगे कोरोना की जांच। सैनिटाइजेशन को लेकर यूपी के 316 नगर निकायों से मांगा गया जवाब। सख्त निर्देशों के बावजूद शासन को नहीं भेजी रिपोर्ट। 17 और 18 अप्रैल को कराया गया था सैनिटाइजेशन। शाहजहांपुर हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत। सीएम योगी ने जताया शोक। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान। रेलवे फाटक बंद नहीं होने से ट्रेन ने ट्रक, डीसीएम और 2 बाइक में मारी थी टक्कर। उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और बारिश से काफी लोग प्रभावित हुए। सीएम ने राहत आयुक्त से तलब की रिपोर्ट। अधिकारियों को नुकसान का आकलन और प्रभावितों को राहत दिए जाने के आदेश। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक। 26 अप्रैल को तीसरे चरण के मतदान को लेकर होगी चर्चा। 20 जिलों के पुलिस और प्रशासन के साथ सीएमओ और नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा। कोरोना संक्रमण के बीच सीएम योगी का बड़ा आदेश। हर अस्पताल को कम से कम रखना होगा 36 घंटे का ऑक्सीजन स्टॉक। दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों पर लगेगा एनएसए। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट मामले में कोर्ट में फिर सुनवाई होनी है। इससे पहले 13 अप्रैल को वकीलों की हड़ताल की वजह से इस मामले में सुनवाई नहीं हो पाई थी। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बैंकर्स कमेटी ने पूरे प्रदेश के बैंकों का समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक किया है। यह बदलाव 22 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई तक रहेगा। कोवैक्सीन का उत्पादन बढ़ाएगा भारत बायोटेक। 1 साल में 70 करोड़ वैक्सीन बनाने की तैयारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन 7,500 मीट्रिक टन है। हम देश में सभी राज्यों को 6,600 मीट्रिक टन दे रहे हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा अपनी पत्नी समेत कोरोना संक्रमित। ट्वीट से दी जानकारी। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में लोगों से कोविड टेस्ट कराने की अपील। आज होने वाली कैबिनेट बैठक स्थगित। कानपुर में अव्यवस्था को लेकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल और उसके संचालक पर केस दर्ज। जिला जज संक्रमित हुए तो पता चला अस्पताल में नहीं है कोई व्यवस्था। बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने ऑक्सीजन प्लांट मालिक से अपील की है वो अस्पताल और वो लोग जो घरों में क्वारंटीन हैं उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई करें। आगरा में कोविड मरीजों के लिए 10 मीट्रिक टन ऑक्सीजन से भरा टैंकर पहुंच गया है जिसके बाद जल्द ही सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई आसानी से हो सकेगी। झांसी में रोतनपुरा गांव में देर रात एक साथ कई कच्चे मकानों में आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया जा सका। आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र के काशीराम आवास पर रहने वाली महिला रेखा की हत्या से हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तराखंड के देहरादून के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। बारिश होने से तापमान में कमी। देहरादून में अभी भी काले बादल छाए हुए हैं। कोरोना से प्रभावित लोगों की मदद के लिए यूपी में बीजेपी ने हेल्प डेस्क की शुरुआत की। कोविड सहायता हेल्पलाइन नंबर 8588870012 जारी किया गया है। संबल जिला अस्पताल में एसडीएम और सीओ आधी रात में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे तो जिला अस्पताल का इमरजेंसी रूम बंद पड़ा था और स्टाफ गायब था। संबल पुलिस ने मास्क न लगाने वालों के लिए जिले में माफी मांगो जुर्माना भरो अभियान चलाया। मास्क न लगाने वाले 250 लोगों समेत दुकानदारों से भी 2.5 लाख का जुर्माना वसूला गया। 24 मार्च से अब तक उत्तराखंड में 100 पुलिसकर्मियों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। इनमें से अधिकतर वो पुलिसकर्मी हैं जो कि कुंभ में तैनात थे। भारतीय मूल की अमेरिकी वनिता गुप्ता अमेरिका की पहली महिला अश्वेत स्टेट अटॉर्नी जनरल चुनी गई है। अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट करके उन्हें बधाई दी। देश में कोरोना संक्रमण ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 24 घंटे में 3,14,000 से ज्यादा संक्रमित। इससे पहले अमेरिका में एक दिन में मिले थे इतने केस।
हरियाणा के जींद में कोरोना वैक्सीन पर डाका, सरकारी अस्पताल में ताला तोड़कर 1710 डोज लेकर भागे चोर। झांसी में पत्थरों से कुचलकर एक उम्रदराज शख्स की हत्या कर दी गई और आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। अल्मोड़ा में बिन मौसम बरसात हो रही है, गर्मियों के सीजन में बारिश से ग्रामीण स्थानीय लोग खुश हैं। वहीं शासन प्रशासन और जिले के कई विभागों के आला अधिकारियों को भी राहत मिली है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में ताजा बर्फबारी इस महीने की शुरुआत से हो रही है। पूरे कश्मीर घाटी में मौसम ने करवट ली और मैदानी इलाकों में बारिश लगातार हो रही है। सीमावर्ती इलाके में सुबह से बर्फबारी देखने को मिल रही है। लॉकडाउन की नई गाइडलाइन के मुताबिक प्रशासन और पुलिस ने नियमों का अनुपालन कराने के लिए चेकिंग अभियान चलाया। सीओ सिटी अक्षय प्रहलाद कौड़े ने बताया कि नई गाइडलाइन का पालन कराने में सख्ती बरती जा रही है। जनपद कृषि मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। जिले की चंदौसी कृषि मंडी में किसानों और आढ़तियों की भीड़ लगी हुई है, जिससे यहां कोरोना विस्फोट होने की आशंका बढ़ गई है। औरैया में लेंटर डालने जा रहे ट्रैक्टर और लिफ्टिंग मशीन को ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर, ट्रैक्टर पर बैठे 8 मजदूर जख्मी। अल्मोड़ा में बिन मौसम बरसात, गर्मियों के सीजन में बारिश से ग्रामीण स्थानीय लोग खुश। वहीं शासन प्रशासन और जिले के कई विभागों के आला अधिकारियों को भी राहत मिली है। लखनऊ के गढ़ी कनौरा में ऑक्सीजन प्लांट के बाहर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। हालांकि प्लांट के बाहर एक नोटिस चस्पा किया हुआ था, इस पर लिखा हुआ था ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। रामपुर के शहर थाना कोतवाली के मोरी गेट रोड पर अज्ञात महिला का शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। सोशल मीडिया में एक वीडियो हरदोई के कोविड अस्पताल का बताया जा रहा है। हॉस्पिटल में गंदगी का अंबार है, आरोप है। बुलाने के बाद भी डॉक्टर और मेडिकल की टीम यहां पर नहीं पहुंचे। नैनीताल के पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है। यहां पर हो रही ओलावृष्टि से फसलों और फलों को भारी नुकसान हुआ है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौलाना खालिद रसीद फिरंगी महली ने सभी मुस्लिमों से आज रात 10 बजे कोरोना के खात्मे के लिए नमाज पढ़ने की अपील की। उन्होंने कहा नमाज के बाद इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के वेब पेज पर ऑनलाइन दुआ पढ़ी जाएगी। कोविड 19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग में 31 मई 2021 तक कोई भी पक्षकार आयोग के कार्यालय या कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकेगा। मेरठ में कोरोना संक्रमण से एक स्वास्थ्य कर्मी की मौत हो गई। मृतक लैब टेक्नीशियन के पद पर तैनात था। आरोप है लैब टेक्नीशियन को ऑक्सीजन की जरूरत थी लेकिन मिली नहीं। इससे जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें तमाम आरोप लगाए गए हैं। कोरोना की देसी वैक्सीन कोवैक्सीन पर भारत बायोटेक का बड़ा दावा, 100% कारगर है कोवैक्सीन। आईसीएमआर ने कहा डबल म्यूटेंट स्ट्रेन और अलग अलग वेरिएंट्स के खिलाफ भी असरदार है कोवैक्सीन। देश में 87% हेल्थ केयर वर्कर्स को मिल चुकी है वैक्सीन की पहली डोज, 80% ने सेकेंड डोज भी ले ली है। ऑक्सीजन सप्लाई पर केंद्र को दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, कहा ऑक्सीजन लोगों का मौलिक अधिकार, जरूरत पड़े तो एयरलिफ्ट करके पहुंचाया जाए ऑक्सीजन। दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडस्ट्रीज को तुरंत ऑक्सीजन की सप्लाई रोकने को कहा, ऑक्सीजन लोगों का मौलिक अधिकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने कल रात की अहम सुनवाई, आज फिर होगी सुनवाई। केंद्र सरकार ने बढ़ाया दिल्ली का ऑक्सीजन कोटा, 378 मीट्रिक टन की जगह 480 मीट्रिक टन दी जाएगी ऑक्सीजन। केजरीवाल ने ट्वीट करके केंद्र का किया शुक्रिया। नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन रुकने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 24 पहुंच गया है। जांच के लिए 3 सदस्य कमेटी बनाई गई है, 5 लाख मुआवजे का ऐलान। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू, आज से 1 मई तक और कड़ी की गई पाबंदियां। बेवजह घर से बाहर निकलने पर लगेगा 10,000 का जुर्माना। जरूरी सेवाओं के लिए चलेंगी प्राइवेट गाड़ियां। पश्चिम बंगाल में छठे दौर में 4 जिलों की 43 सीटों पर वोटिंग। मैदान में कुल 306 उम्मीदवार, मतदान केंद्रों पर कोरोना को लेकर सख्ती। वर्चुअल शिखर सम्मेलन में दुनिया को पर्यावरण बचाने का संदेश देंगे प्रधानमंत्री मोदी। दुनिया के 40 नेताओं में शी जिनपिंग, पुतिन और बाइडेन होंगे मौजूद। व्हाट्सएप और फेसबुक की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट सुना सकता है फैसला। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के प्राइवेसी पॉलिसी की जांच के आदेश को दी गई थी चुनौती। पाकिस्तान में बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के होटल में बड़ा धमाका, ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत, 14 से ज्यादा लोग घायल। और ताकतवर हुए इंडियन एयरफोर्स, रफाल विमान की 5वीं खेप में भारत पहुंचे 4 और विमान। वायुसेना के बेड़े में हुए 18 रफाल।